लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने अपने सभी तरह के नेताओं को फील्ड में उतार दिया है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में युवक कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी और उन्हें किस तरह काम करना है, इसको लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक अल्पेश पुरोहित ने आज जोधपुर में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। लेकिन भाजपा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शरीक होते रहे। भाजपा कभी भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से नहीं चूकती है, भले ही देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस हमेशा इसका जवाब देगी। आप बात करते हो सैनिकों, युद्ध में लड़ाकू युद्ध करने वाली कांग्रेस की सरकार थी, और आप किनकी बात कर रहे हो जो हवाई जहाज में आतंकवादियों को बिठाकर कंधार छोड़ के आए, पैसे दे के रहे, और वही आज गुजरात की बॉर्डर में जाके 26/11 का हमला करते हैं या नौजवानों पे हमला करते हैं? क्या चौकीदार की जिम्मेदारी नहीं है सरहद संभालना? उन्होंने कहा था एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा, आज हम कहते हैं कि हमें एक जवान के बदले 10 आतंकवादी चाहिए, हमें 56 इंच का सीना नहीं, हमें सही में उनका बदला चाहिए। देश के हालात बहुत ही दुखनीय है। मैं सलाम करता हूं मेरी एयरफोर्स को, मैं सलाम करता हूं मेरे थल दल को, मैं सलाम करता हूं मेरे जल थल के, जिन्होंने अपनी कटिबद्धता से देश को संभाल कर रखा है, और इन्होंने भाई भाई को लड़वाया, जाति के नाम पे लड़वाया, धर्म के नाम पे लड़वाया, संविधान के नाम पे लड़वाया, और ज्यादा कुछ ना तो मालिया और अंबानी को माला माल कर कर गरीबों के घर से पैसा निकल कर उनको लूटा, ये काम किया इस सरकार ने। इसलिए हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, और कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं काजनीति करती है। जब हमारे सैनिक शहीद हुए तो हमारी प्रियंका गांधी जी ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, आज सैनिकों के साथ खड़े रहने का वक्त है, तब वो चुनावी रैली योज रहे। जब हमारे नेवी के कमांडो को पाकिस्तान वालों ने घेर लिया, पकड़ लिया, राहुल जी ने कहा 28 तारीख को सम्मेलन गुजरात में नहीं होगा, हमें देश के साथ खड़ा रहना है, ये भाई साहब फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनावी रैली कर रहे हैं। सोच की जरूरत है, देश में बदलाव की जरूरत है, सत्ता के लिए राजनीति नहीं देश के लिए काजनीति करने की जरूरत है। कांग्रेस करेगी करेगी और करेगी।